नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म भक्ति चैनल। दोस्तों, आज के इस विशेषांक में हम जानेंगे दिवाली के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। तो दोस्तों, दिवाली के दिन कौन सी काम है जो हमें भूल कर अज्ञानतावश हम कर बैठते हैं और वो सभी काम हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे जानिए पूजा को लेकर जरूरी बातें, दिवाली पूजा में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि पता है आज गुरुवार को देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाया जा रहा है। इसी दिन लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग दोस्तों अपने घरों की साफ सफाई और रंग रोगन करते हैं। दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्थी, इन 5 पर्वों का, महालक्ष्मी का और गोवर्धन, ये हफ्ते में पूरा मिलन संगम होता है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों, खासकर दिवाली में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं दिवाली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, दिवाली के दिन ये काम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी सफाई वाले घर में ही वास करती है, इसलिए दिवाली वाले दिन घर में अवश्य साफ सफाई रखे। सुबह ही स्नान से निवृत्त होकर दोस्तों लक्ष्मी पूजन की तैयारी करें। घर के दरवाजे पर रंगोली बनाएं। दिवाली पूजन में गाय के घी का इस्तेमाल करें। गाय का घी शुद्ध माना जाता है, इसलिए गाय के घी से पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के हर कोने और मुख्य द्वार को दियो की रोशनी से जगमग करें और पूजन के वक्त साफ धुले हुए और स्वच्छ कपड़े पहने, साथ ही साथ महालक्ष्मी की आराधना करें। दोस्तों, पूजन के लिए दीवार को पोत कर गेरू से लक्ष्मी जी का चित्र बनाएं और वहां एक पटरी रखकर उस पर कलावा बांधकर मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा करें। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, दिवाली के दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दिवाली के दिन घर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, दिवाली के दिन चमड़े से बनी चीज तोहफे में नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जाना दिवाली के दिन भूल कर भी कौन से वो काम नहीं करने चाहिए। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको पसंद आई। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।